नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवित पुत्री का व्रत में जो हम पारण करते हैं, तो पारण किस प्रकार से करनी चाहिए, पारण की विधियां क्या होती हैं, क्योंकि इस व्रत में पारण का जो महत्व होता है ना वो बहुत अधिक होता है। यदि आपने जीतिए के व्रत में पारण को सही तरीके से नहीं किया है तो व्रत की जो कठिनता से आपने व्रत रखा है वह संपूर्ण फल नष्ट हो जाता है ऐसा माना जाता है। इसलिए यह जरूर ध्यान रखने वाली बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके बारे में अलग अलग प्रकार के प्रश्न आ रहे थे इसलिए मुझे अलग से इस टॉपिक पर वीडियो बनाना पड़ा है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीतिया का व्रत रखा जाता है। साल 2023 में यह व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा और 7 अक्टूबर को इसका पारण किया जाएगा। जिस दिन व्रत रखा जाएगा वह 6 अक्टूबर है और दिन शुक्रवार है, और जिस दिन इस व्रत का पारण किया जाएगा वह 7 सितंबर है, दिन शनिवार पड़ेगा। तो ये हर तरह से क्लियर हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई असमंजस या फिर उलझन मन में ना रखें। इसके बाद जीतिया के पारण का हम समय जान लेते हैं, क्योंकि इस व्रत में पारण के समय की महत्ता अत्यधिक मानी जाती है, इसलिए पारण का समय बहुत जरूरी है। पारण का समय जो है वह 7 अक्टूबर को दिन शनिवार सुबह 8:10 के बाद है। पारण से जुड़े हुए नियम अब हम जानते हैं। जीतिया के पारण वाले दिन प्रातः काल आपको स्नान आदि करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाना है। निवृत्त हो जाने के बाद सर्वप्रथम आपको नहा धोकर भगवान जो सूर्य है उनको उपासना करनी है, उनको जल अर्पण करना है। सबसे पहले भगवान सूर्य की आराधना की जाती है क्योंकि वह प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। भगवान सूर्य को यदि आप मंत्रों के साथ जलार्पण कर सकते हैं तो यह बहुत ही उत्तम होती है, और यदि मंत्रों के साथ आप अर्पण ना भी कर पाए तो भी आप अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार जिस भी प्रकार से सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं वह जल अर्पण करें। सूर्य भगवान को जो जल अर्पण करते हैं तो उसमें थोड़े से जल में रोली और चावल जरूर डाल दें, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब उसके बाद जो आपके रोजाना की पूजा विधियां हैं, देव मंदिर में जो आप पूजा करते हैं, घर के मंदिर में जो आप पूजा करते हैं, प्रतिदिन की जो पूजा है उसे आप संपन्न कर लें। उसके बाद जो जीतिया माता हैं और जीमूत वाहन हैं उनको प्रणाम करें। किसी भी गलती और भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। इस प्रकार से आपको संपूर्ण पूजा की विधियों को कर लेना है। अब आपने व्रत में जो जीतिया का धागा चढ़ाया है या फिर जीतिया अर्पण किया है, देखिए हमारे यहाँ तो सोने का जीतिया चलता है और भगवान की दया से मैंने सोने का जीतिया ही लिया है। जिनके पास नहीं हो तो वो पीले रंग के धागे का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर तो पीले ही धागे का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कुछ जगहों पे ऐसा भी है कि लाल रंग के धागे का भी इस्तेमाल होता है। यदि आपके यहाँ सोने का जीतिया चलता है तो आपने पूजा में उसे चढ़ाया होगा। देखिए हमारे यहाँ जो ये जीतिया चढ़ाया जाता है ना, मैं इसका भी पूजा विधि क्या है वह भी डालूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए जान लेते हैं। व्रत वाले दिन जीतिया का जो लॉकेट होता है उसको मैंने लाल रंग की मोती में गुथवा रखा है, तो उसको हम जो है ना खीरे के ऊपर अच्छे से लपेटते हैं और उसके बाद उसको ही कलश के ऊपर बैठाते हैं और इस प्रकार से हम पूजा संपन्न करते हैं। लेकिन यह रात भर वहीं पड़ा रहता है और उसके बाद दूसरे दिन हम इसे उठाते हैं। जब सभी पूजा हम पूर्ण कर लेते हैं तब इसे उठाते हैं, प्रणाम करते हैं और सबसे पहले अपने बच्चे के गले में डालते हैं। यदि आपका पुत्र है तो उसके गले में डालें या फिर पुत्री है तो आप उसके गले में भी डाल सकते हैं। कुछ देर के बाद आप उसे खोल करके अपने गले में डाल लें। देखिए यदि आप धागा चढ़ाते हो तो धागा को भी इसी प्रकार से पहनने का विधान है। हमारे क्षेत्रों में यही जो नियम है इसको पालन किया जाता है। यदि आपके क्षेत्रों में कुछ नियम अलग होंगे तो उनका पालन कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे थोड़े थोड़े से नियम जैसे अलग हो जाते हैं, लेकिन यदि आप पहली बार उठा रहे हों या फिर आप इससे जुड़े हुए नियम नहीं जानते हों या फिर आपके यहाँ कोई ना करता हो तब इस नियम का पालन आप कर सकते हैं। वैसे पूजा की जो विधियाँ हैं या फिर पूजा से जुड़े हुए जो कार्य हैं वो मैं उसका वीडियो अलग से डाल दूंगी। अब गले में बिना जीतिया को पहने आप पारण नहीं कर सकते, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को यह बात नहीं पता है।
वह पारण कर लेते हैं, बाद में जीतिया को पहनते हैं। पहनने के बाद आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें। उसके बाद पारण के लिए किसी गर्म चीज का प्रयोग करें, जैसे हमारे यहाँ गर्म दूध का प्रयोग किया जाता है। हमारे ही बिल्कुल पड़ोस में एक भाभी रहती हैं, उनके यहाँ चावल का जो पानी होता है, जो जब हम चावल बनाते हैं और उससे जो चावल का पानी होता है जिसे माड़ भी कहा जाता है, उसे जो हम बाहर निकालते हैं ना, उससे पारण करती हैं। तो इस प्रकार से कुछ कुछ अलग अलग नियम भी हैं। तो दूध से भी पारण आप कर सकते हैं, यह इतना गर्म होना चाहिए जिसको कि फूंक के पीने की आपको जरूरत पड़े। अब इसके साथ हम कुछ ना कुछ निकलते हैं, जैसे हमारे यहाँ कुस्सी केराव मटर को निकला जाता है, जो कि बहुत ही वज्र के समान माना जाता है, बहुत ही सख्त होता है। कहते हैं रात में जो हम एक मुट्ठी कुस्सी केराव मटर को भिगोते हैं, सुबह उसमें से जो कुस्सी केराव का मटर नहीं फूलता है ना, उसी को निगलना होता है। माना जाता है वह इतनी देर तक भी पानी में भीगने के बाद भी नहीं फूला, मतलब वज्र के समान जो है ना वो कठोर है और किसी भी परिस्थिति में लड़कर वह जीवित रह सकता है। इसी प्रकार से हम अपने बच्चे के लिए भी कामना करते हैं, भगवान जी मूत वाहन से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे भी इसी प्रकार से बिल्कुल ठोस और कठोर वज्र के समान हो जाएं, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों लेकिन वह उससे डगमगा ना पाए। इस कामना के साथ जो गर्म दूध होता है उसके साथ हम उस कुस्सी केराव मटर को निगलते हैं। जिसकी जितनी संतानें होती हैं वह उतनी मात्रा में ही इस मटर को निगलते हैं। जैसे मेरी एक संतान है तो मैं एक निगलूंगी, यदि आपकी दो संतानें हैं तो आप इसे दो निगल सकते हैं। बहुत जगहों पे जो है खीरा के बीज से भी पारण किया जाता है। पारण वाले दिन भी हमारे यहाँ जैसे नहाए खाए में अनेक प्रकार की सब्जियां बनाने का विधान है, उसी प्रकार से पारण के दिन भी बनाई जाती है, खास करके कोहड़ा, पोई का साग, झींगा या फिर सतपुतिया। ये बहुत ही आवश्यक चीजें होती हैं, इन्हें बनाना भी चाहिए, खाना भी चाहिए। और माना जाता है ये जो चीजें होते हैं ये मतलब बहुत ही जिद्दी होती है, संतान भी इसी प्रकार से बिल्कुल जो है ना डट कर किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहती है। छोटी से छोटी परेशानी संतान को बहुत ही आसानी से विचलित नहीं कर सकती है, इसलिए इन चीजों को खाया जाता है, बनाया जाता है। ये चीजें नहाए खाए में भी बनाई जाती है और पारण में भी बनाई जाती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आपके अंदर जितने भी सवाल होंगे पारण से जुड़े हुए उन सभी को सुलझा पाई होंगी, या आपके अंदर जितने भी इस तरह के प्रश्न होंगे उन सभी का जवाब मैं दे पाई होंगी। वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।